हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। हल्ला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। तो हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे बुरहानपुर की। जी, मध्य प्रदेश का शहर बुरहानपुर। एक समय था जब ये शहर पूरे देश में पावलूम उद्योग के लिए जाना जाता था लेकिन आज हालत पूरी तरह से बदल चुकी है और यहाँ का पावलूम उद्योग दम तोड़ रहा है। कहा जाता है कि नोटबंदी और जीएसटी ने यहाँ के पावरलूम उद्योग की कमर तोड़ दी है लेकिन असल वजह पावरलूम पर तैयार होने वाले कपड़े की मांग में गिरावट आना है। घटती मांग के चलते यहाँ के गरीब बुनकरों को हफ्ते में 3 या बहुत से बहुत 4 दिन ही काम मिलता है जिसके कारण ये बुनकर गंभीर आर्थिक संकट झेल रहे हैं। ये हालात एक दिन में नहीं बने हैं बल्कि साल दर साल हालात मुश्किल होते गए हैं इस उद्योग के। और ऐसे भी नहीं कि सरकार के नुमाइंदों और जिम्मेदारों को इसकी खबर नहीं है, बावजूद इसके पावरलूम उद्योग को ऑक्सीजन देने की कोशिश नहीं की गई। कठिन दौर से गुजर रहे पावरलूम उद्योग पर निर्भर 70,000 बुनकरों के सामने रोजी रोटी का संकट आखड़ा हुआ है। हमारी पावर लूम की हमको गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम रखे थे कि भाई आप नवीनीकरण करो तो हमने मतलब हमारे सादे मशीन बेच के कुछ मतलब फंड जमा करके रिपेयर मशीन लगवाए। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की 25% की सब्सिडी की बात थी कि भाई 25% सब्सिडी आपको मिलेगी। हम 5 साल से हम 15 लाख रुपये हमारी सब्सिडी आना है, वो 5 साल से इंटरेस्ट भर रहे हैं, किस्त बराबर भर रहे हैं। अभी समय 6 महीने से हम ना किस्त भर पा रहे हैं ना इंटरेस्ट भर पा रहे हैं। हमारी केंद्र गवर्नमेंट से भी मांगे, हमने अभी चर्चा किया कि हम केंद्र सरकार से भी हम अपनी बात को रखेंगे और वहाँ जाकर भी कपड़ा नीतियों को सुधारने के लिए रखा जाएगा। जब से नोटबंदी और जीएसटी लागू हुई है तो कपड़े की स्थिति और ख़राब हो गई। आप ऑल इंडिया में उठा के देख लिए, सूरत भिवंडी मालेगांव इचल करंजी तमाम जगहों पर लोगों ने कपड़ों का उद्योग छोड़ छोड़ के चले गए हैं और लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है। बुरहानपुर में भी यही हाल है, छुपी हुई बेरोजगारी है, 3 दिन 4 दिन काम मिल रहा है। बुरहानपुर में टेक्सटाइल उद्योग से कम 40,000 से 50,000 लोगों का अप्रत्यक्ष रोजगार मुहैया होता है। अगर ये उद्योग बंद होता है तो 30,000 से 40,000 बुनकर परिवार इससे प्रभावित होंगे जिससे यहाँ की इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी। हम चाहेंगे कि अपने जो है केंद्रीय शासन पावरलूम उद्योग के लिए जो भी राहतें पहले प्रदान करती थी पिछली सरकारें उसी प्रकार टफ योजना में नई टेक्नोलॉजी के बूम लगाने के लिए अपनी योजनाएं लागू करें। शासन द्वारा दी जाने वाली जो सब्सिडीज हैं जो पूर्वज जो शासन के निर्देशानुसार जो मिल रही हैं वो तो मिल ही रही हैं, बट ये है कुछ उन लोगों की पावर सब्सिडी वगैरह में कुछ अलग से एक्स्ट्रा मांग है वो, तो उस बारे में शासन को इस बारे में लिखा जा चुका है और जैसे ही इस बारे में कुछ निर्णय होगा सूचित किया जाए। हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर की जो एक समय पावर लूम के लिए जाना था लेकिन आज वो पावर लूम वेंटिलेटर पर चला गया है और 70,000 जो बुनकर हैं वो रोजी रोटी के लिए अब परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हमारे सहयोगी रिजान अंसारी। रिजान, एक समय था जब बुरहानपुर पावर लूम के नाम से जाना जाता था लेकिन आज वही पावर लूम खत्म होता जा रहा है बल्कि ये कहें कि वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है वो। देखिए स्मिता, जो बुरहानपुर का पावरलूम उद्योग है मध्य प्रदेश में तो अकेला सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, सबसे बड़ा पावरलूम सेंटर है देश के। जो प्रमुख सूरत और इचल करंजी और महाराष्ट्र के बड़े सेंटर है उसमें भी बुरहानपुर के पावरलूम उद्योग की गिनती होती है। करीब 1 लाख लोग सीधे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर उद्योग से अपना रोजगार पाते हैं। बाकी राज्य और केंद्र सरकारों की जो नीति है इसको हतोत्साहित करने वाली रही है। जीएसटी और नोटबंदी के बाद जो राज्य सरकार ने भी इसको लंबे बड़े वादे किए थे, अभी कुछ रियायत बिजली में रियायत की लंबे समय से मांग उठ रही थी पर उतनी रियायत भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नहीं दी गई है कि उद्योग रिवाइव कर पाए। तो लंबे समय से यहाँ के पावरलूम से जुड़े लोगों की बुनकरों की
और जो पावरलूम फेडरेशन जो कि यहाँ पर मार्केटिंग मुहैया कराता है, ये भी एक संस्था है राज्य सरकार की यहाँ पर। तो ये लंबे समय से मांग हो रही है कि ऐसा कोई बड़ा राहत पैकेज दिया जाए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से, जिससे कि न केवल ये उद्योग पुनर्जीवित हो, लाखों लोगों का रोजगार जो इस व्यवसाय से जुड़ा उसको भी रोजगार लोगों का चलता रहे। लेकिन रिजवान, आज अगर हम बात करें इस पावरलूम उद्योग की जो वेंटिलेटर पर चला गया, ये महज कुछ सालों की घटनाक्रम नहीं हम इसे मान सकते, बल्कि कई साल बीते हैं जहाँ पर इसकी स्थिति आज ऐसी हो गई है कि यहाँ पर 70,000 परिवार रोजी रोटी का संकट झेल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब केंद्र की वाजपेयी सरकार जब आई तो उन्होंने 10% जीएसटी 10% सर्विस टैक्स की शुरुआत करी, और वो सर्विस टैक्स बढ़ता बढ़ता आज जीएसटी के रूप में 18% जीएसटी है। और जो कहीं ना कहीं इस कपड़े जो बुरहानपुर को सस्ता कपड़े के लिए बाजार में जाना जाता था और उसकी मांग थी, आज 18% जीएसटी और तमाम टैक्सेस के बाद वो कपड़ा महंगा हो गया, जिसके चलते इस कपड़े की देश भर में जहाँ मांग कम होने से ट्रेडर्स ने भी और जो पावरलूम जो उद्योगपति उन्होंने भी बुनकरों से कपड़ा लेने में कमी कर दी, जिसके चलते 3 या 4 दिन हफ्ते में उद्योग चल पाते हैं। और इनको इनके साथ रोजी रोटी का संकट है, मजदूरी का संकट है, और हालत ये है कि यहाँ से अब बुनकर यहाँ से माइग्रेट करने की भी तैयारी में, यहाँ से दूसरे प्रदेशों में जाने की तैयारी में। रिजान, कितने परिवार यहाँ पर हैं जो सिर्फ इसी कारोबार पर निर्भर किया करते थे, क्योंकि अकेले वो नहीं, उनके साथ उनका पूरा परिवार है यहाँ पर। बिल्कुल, जो बेसिक पावरलूम बुनकर हैं वो तो हजारों परिवार है ही है इस पर जो आश्रित हैं। इसके साथ जो इसकी परिवहन करते हैं ठेले में, ऑटो में, तमाम प्रकार के इसके जो एक यहाँ पर एक इस पे केमिकल से इसके कपड़े का राइजिंग किया जाता है, एक प्रोसेस इंडस्ट्री भी साथ में, सपोर्टिंग इंडस्ट्री इसके साथ में, बहुत बड़ा ये उद्योग है। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मतलब सीधे जो बुनकर से सीधे जुड़े हुए हैं इस व्यवसाय से, जो इसके सहयोगी जो इसमें डाइजिंग होती है, इसमें कपड़े पे कलर होता है, उसका प्रोसेस होता है, इसे सहयोगी उद्योग भी जिसमें हजारों बुनकर और श्रमिक काम करते हैं। तो देखा जाए तो करीब आप प्रत्यक्ष रूप से करीब 1,00,000 लोगों का इससे बुरहानपुर की जो उद्योग है रोजगार सकता है। बुरहानपुर की अगर हम बाकी चीजों की बात करें तो ऐसा नहीं है रिजवान के बुरहानपुर में ये संकट आज ही से है, लेकिन जब ये संकट यहाँ पर है, ऐसा नहीं कि सरकारों को ज्ञान नहीं है, सरकारों को पता नहीं है, लेकिन फिर इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? आपको रोकूंगी रिजवान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है, अजय रघुवंशी कांग्रेस नेता, उनसे बात करते हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी नमस्कार मैडम जी, नमस्कार। अजय जी, बुरहानपुर की हम बात कर रहे हैं, बुरहानपुर आप जानते हैं कि पावरलूम के लिए एक वक्त पे जाना जाता था, लेकिन आज वही पावरलूम उद्योग वेंटिलेटर पर चला गया है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। बाकी आप एक बात ये भी देखेंगे कि जब से कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार बनी है, हमने पावरलूम के लिए बिजली में रेट कम करने की बात की और उसको मंजूरी दी थी सम्माननीय कमलनाथ जी ने। हमने यहाँ बात की कि बुरहानपुर में जब पावरलूम का एक हब बनाया जाए तो उसके लिए भी 19 एकड़ जमीन तुरंत उन्होंने स्वीकृत कर दी और 13 करोड़ रुपया उस जमीन को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दे दिए। तो ये हमने 8 महीने में ये काम करने का काम हमने किया। हमको दुख इस बात का है कि 15 सालों में इस पावरलूम उद्योग को बर्बाद करने का काम पुरानी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। एक भी काम जो कि बिजली का बिल, जब सम्माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तब हमारे यहाँ पर 2 रुपए यूनिट का बिजली का बिल आता था, इन्होंने 9 रुपए कर दिया। मतलब बुरहानपुर मध्य प्रदेश में एक ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा पावरलूम है, गरीबों को रोजगार उपलब्ध होता है, उसको बर्बाद करने का काम उन्होंने किया। ताकि हमने और हमारी सरकार ने इस उद्योग को बढ़ाने का, इस उद्योग को संभालने का काम करने का हमारे सम्माननीय कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री जी ने, अजय जब इसकी हकीकत हम जानते हैं, चलिए सम्माननीय अरुण यादव आपकी सरकार ने पिछले 8 महीने में जो काम किया वो आपने बताया, लेकिन अब इस पूरे कारोबार की, इस पूरे उद्योग की हम हकीकत एक बार जानने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर है रियाज अंसारी, संघ अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं। रियाज जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड में। हाँ बताइए मैडम। रियाज जी, पावर लूम की अगर बात की जाए तो इसकी पहचान थी, बुरहानपुर की पहचान कही जाती थी, लेकिन आज स्थिति बहुत ही विकट हो चुकी है, आखिर क्या समस्या आ रही है आप लोगों को यहाँ पे? पावरलूम बुनकर मतलब इन्हें भुखमरी का शिकार हो रहा है, ये जॉब बर्थ के काम करता है और साथ ही साथ उसको बिजली की भी समस्या है, बिजली बिल में मतलब इन्हें उनको सब्सिडी नहीं मिली है और बिल के मार के कारण बुरहानपुर में बिजली बिल कट रहे हैं। और यहाँ पे जीएसटी और नोटबंदी के बाद बुरहानपुर बुनकर पावरलूम मतलब इन्हें बहुत ज्यादा मरगदान की तरफ जा रहा है, यहाँ भुखमरी ज्यादा है, 3-4 दिन पब्लिक को काम मिल रहा है बुनकरों को और बेरोजगार होता जा रहा है बुनकर। रियाज जी, क्या आपको बिजली में किसी तरह की कोई कटौती का लाभ मिला है?
नहीं, बिजली में कटौती तो नहीं होती यहाँ पे, मतलब मंदी के कारण, मतलब मैंने जो बुरहानपुर जो बिजली बिल जो है उनमें किसी तरह की कोई कमी आप लोगों को मिली है कि बिजली के बिल जो है उनके रेट थोड़ा कम कर दिए गए हैं आप लोगों की सहूलियत के लिए? हमारे लिए सब्सिडी की मांग की गई थी जो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक हमको सब्सिडी मिली नहीं है, मतलब ऑन द बिल सब्सिडी मिल नहीं पाई है, लेकिन वो कोशिश जारी है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जिस तरह किसानों को मतलब बिजली माफी दी जा रही है, जिस तरह किसानों के लिए कर्ज माफी की सहूलत है, उसी तरह बुनकरों को भी राहत दिया जाना चाहिए, क्योंकि देश में दूसरे नंबर पे मतलब बुनकर आता है, जो कि बुनकर मतलब ने कपड़ा बिनता है, लोगों को तंग डांटता है, जिस तरह किसान मतलब लोगों का पेट भरता है और बुनकर तंग डांट कर पूरे हिंदुस्तान में मतलब ने कपड़ा बनाने की व्यवस्था करता है, तो बुरहानपुर का शहर जो बुरहानपुर के दिल की धड़कन कहे जाने वाला बुरहानपुर आज भुखमरी का शिकार है। यहाँ 3-4 दिन लोगों को काम मिल रहा है और बुरहानपुर में बुनकर बेरोजगार होता जा रहा है। रियाज जी हमारे साथ कांग्रेस नेता हैं अजय जी, उनसे बात करते हैं एक बार फिर से। अजय जी आपने सुना, आप बीती जी, मैडम जी, मैं आप समझ सकते होंगे कि किस तरह की पीड़ा है। हाँ? आप समझ सकते होंगे कि किस तरह की पीड़ा अकेले सिर्फ बिल्कुल, एक व्यक्ति नहीं बल्कि उस व्यक्ति के साथ उसका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। मैडम जी आपको बता दूं, मैं हमारे जो रियाज भाई बात बोल रहे थे, अभी हमने एक 100 एकड़ की जमीन है उसके लिए भी सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर उसका पत्र भेजकर उस जमीन को भी पूरा टेक्सटाइल पार्क के रूप में डेवलपमेंट करने के लिए और बुनकरों को उस जमीन को देकर वहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नया डेवलपमेंट करने के लिए उनको व्यवस्था दी। सबसे बड़ी परेशानी जो आ रही बुरहानपुर में, जो GST लागू हुआ, इस GST ने बुरहानपुर को बर्बाद कर दिया। जो रोटी कपड़ा और मकान, इस पर GST नहीं होना चाहिए था। आज बुरहानपुर का पूरा पावरलूम उद्योग है, बुरहानपुर की बात नहीं करना चाहते, मैं तो आपसे बताना चाहता हूँ कि पूरा नॉर्थन इंडिया, जिसके कि उन्होंने विज्ञापन जारी करके कह दिया टेक्सटाइल उद्योग ने कि ये GST और ये नोटबंदी ने हमारे उद्योग को बर्बाद कर दिया। मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सम्मान्य प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार से सबसे ज्यादा रोजगार एग्रीकल्चर में मिलता है, तो उसके बाद सेकंड नंबर पर रोजगार टेक्सटाइल का आता है। तो टेक्सटाइल उद्योग को बचाने का काम जब से भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, इन्होंने जो पावरलूम परचेस करने पर, नए पावरलूम लगाने पर और पावरलूम उद्योग को जो अलग अलग प्रकार के सब्सिडियां होती थी, इसको 50% कम कर दिया। तो ये एक प्रकार से पावरलूम उद्योग को दफनाने की साजिश है। और जो चाइना से जो पावर कपड़ा ला रहे हैं, तो वो चाइना का कपड़ा हमको तकलीफ दे रहा है भारत के कपड़े को, और आज हम बर्बाद जो हो रहा है, तो चाइना पर इनको बैन करना चाहिए, चाइना पे एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाना चाहिए। वो न करते हुए हमारे उद्योग पर टैक्सेस लगा रहे हैं, जिसके कारण हमारा देश का पावरलूम उद्योग और हमारे बुरहानपुर जैसे छोटे शहर का पावरलूम उद्योग बर्बादी के कगार पर जा रहा है। अजय जी, अगर ऐसी स्थिति आती है तो इस स्थितियों को बढ़ावा भी तो आप जैसे और हम जैसे लोग ही देते हैं ना। अगर रोटी की बात की जाए तो किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं, आप भी जानते हैं। किसानों का मुद्दा जब आपने उठाया था, तभी आप सत्ता में वापस आए 15 साल के बाद। पावरलूम आप खुद जानते हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री थी। किसानों का भी कर्जा माफ किया, किसानों को सब्सिडी डायरेक्ट उनके खाते में देना चालू कर दी, किसानों के लिए हमने बोनस का भी जो है फसल का बोनस एक्स्ट्रा देना चालू कर दिया। तो किसानों के लिए लड़ाई जिस मुद्दे पर, जिस बात को किसानों ने हमें वोट दिया, तो हमारा वचन तो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। लेकिन बुनकरों की स्थिति से भी तो आप वाकिफ है ना, बुनकरों की स्थिति से भी आप वाकिफ है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जमीन आवंटित कर दी गई है, चलिए बहुत अच्छी बात है कि बुरहानपुर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगेगी ताकि लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके साथ उनका परिवार भी संपन्न होगा। लेकिन जब तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनेगी, तब तक के लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगी? क्योंकि 70,000 परिवार है। नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जो हमने किया है कि बिजली के बिल कम हो जाएंगे यहाँ पर, बिजली का बिल एक कम होने से थोड़ा सा हमारे जो पावरलूम मजदूर है, पावरलूम के छोटे छोटे कारीगर है, इनको ये राहत मिलेंगे कि उनको उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है कम हो जाएंगी। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होंगे तो जरूर ये कंपटीशन में मैदान में होगा, तो थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। आपकी इस राहत से क्या संघ सहमत है, उनसे बात करते हैं। रियाज जी, आपको लगता है कि अगर यहाँ पर आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी बिजली के बिलों में, तो क्या आप लोगों को थोड़ी सी राहत होगी इससे? नहीं, कुछ हमने फायदा होगा। बिजली रेट इनको रोकना चाहिए, क्या करते हैं, इधर राहत तो दी जाएगी, लेकिन अभी तक उसकी राहत मिली नहीं है हमारे को। ऑन मतलब ने बिल पे अभी तक राहत मिली नहीं है। सीएम प्रधान मतलब मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी तक बिल में, आज 3 महीना हो गया हमने सीएम से मिलकर आए, लेकिन अभी सब्सिडी हमको बिल में मिली नहीं है। दूसरी बात ये कि मतलब मैंने दूसरी तरफ ये कि बिल के जो रेट है उसको भी रोका जाना चाहिए, कि ये लोग क्या करते हैं कि बिल के रेट बढ़ा देते हैं और सब्सिडी बढ़ाने से बिल का रेशो वही हो जाता है, तो बुनकर जहाँ का तहीं खड़ा रहता है।
तो रेट भी नहीं बढ़ना चाहिए, साथों साथ मतलब इन्हें सब्सिडी जो प्रदान की जा रही है वो जल्द से जल्द मतलब बुनकरों के बिल में माइनस हो तो उसका लाभ मिलेगा। अजय जी क्या जवाब देंगे इसका? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 15 साल का जो पूरा पाप है इस पाप को मिटाने में थोड़ा सा हमको 10-12 महीने का समय लगेगा, तो 10 महीने हो गए, महीने भर 15 दिन में बिल्कुल हमारे बुनकर भाइयों के लिए लड़ाई हम लड़ेंगे और बुनकर भाइयों को पूरी यथासंभव मदद करके ब्रह्मपुर का पावरलूम उद्योग को स्वर्णिम काल जो था उस स्थिति में हम जरूर लेकर जाएंगे। लेकिन इस बात को भी तो समझिए, जिस तरह से खादी एक तरह से पतन के दौर पर जा रही थी, खादी के उद्योग को बढ़ावा दिया गया, प्रचार प्रसार किया गया, अगर पावरलूम को भी उसी तरह से बढ़ावा दिया जाए, इस प्रोडक्ट को अभी प्रचार प्रसार किया जाए और अगर राज्य सरकार इस पर थोड़ा सा आधिपत्य अपना लाए या फिर अपने हाथ में ले इसे, तो आपको नहीं लगता है कि जो 70,000 परिवार आज भुखमरी की कगार पर हैं उन्हें जीवन दान दे देंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, हम मैडम जी वही बोलना चाह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी के पास, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, सम्माननीय हमारे जो आरिफ अकील जी है मंत्री जी MSME उनके पास में, और हमारे बिजली मंत्री, तीनों के पास, तीन लोगों ने अपना अपना प्रस्ताव बना दिया, प्रस्ताव पास कर दिया है, हम इनको अलग से भी MSME के माध्यम से पावरलूम बनकर उसको मदद करके उनके आर्थिक हालत को भी ठीक करना चाह रहे हैं, इनके रहन सहन की जो व्यवस्था है इसको भी ठीक करने की व्यवस्था, बाकी क्योंकि एकदम एक दिन में सब कुछ नहीं होगा ये आप हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, तो इस कारण थोड़ा समय लग रहा है, बाकी पावरलूम उद्योग बुरहानपुर का जरूर उसके पुराने हमारे स्वर्णिम काल में जाएंगे इसकी जरूर हम गारंटी देते हैं, और बहुत जल्दी ही, कोई लंबी बात नहीं, 2-4 साल, महीने 15 दिन, 2 महीने में। अजय जी एक समस्या और है, यहाँ पर सिर्फ महज अगर इन्हें काम मिलता है तो 3 दिन या ज्यादा से ज्यादा 4 दिन इनके पास काम होता है, बाकी दिन इनके पास काम नहीं होता है, या तो मजदूरी करेंगे या फिर अगर किसी के पास किसानी होगी, खेती होगी, तो वो उस पर काम कर सकता है, लेकिन महज 3 दिन या 4 दिन अगर रोजगार मिल रहा है और बाकी दिन अगर आपके पास रोजगार नहीं है, तो उसके लिए कोई विकल्प है, कोई व्यवस्था करें उसका विकल्प तो नहीं है, बाकी चूंकि जो कपड़ा उद्योग होता है ये पूरे देश की स्थिति पर चलता है, और देश में वर्तमान में देश की जो सरकार है ये कपड़ा उद्योग को शायद बर्बाद करना चाहती है, उस ओर जरा भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े जो कपड़ा उद्योग के मालिक थे, कपड़े मिल्स वाले हैं, इन लोगों ने सबने गुहार लगाई है प्रधानमंत्री जी को, बाकी वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, और हम भी आपके माध्यम से ये बात करेंगे कि केंद्र सरकार कपड़ा उद्योग को बुरहानपुर ही नहीं पूरे देश में बचाने का काम करे, नहीं तो पूरे देश की जो बुरहानपुर की स्थिति है ऐसी स्थिति बेचारे मजदूर भाइयों की हर जगह पूरे देश में होंगी। वाकई इस स्थिति से निपटने के लिए और कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था हमारे हम हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमारे बुरहानपुर के कपड़ा उद्योग के मजदूरों को हम कैसे बचा पाए, उनको कैसे हम राहत दे पाए। जी, लेकिन बाकी के दिन रोजगार की व्यवस्था आप कैसे करवाएंगे, ये भी तो आपके लिए एक बड़ी चुनौती है ना। हम इनको और किसी सुसाइड के बिजनेस में इनको डालकर उसमें उनको मदद करके हम उनको बिल्कुल मदद करने की पूरी कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पहल में अपनी एक भूमिका बताने के लिए कि पावर लूम को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। रियाज जी आप हमारे साथ हैं? जी क्या कहेंगे आप, आश्वस्त हैं? नहीं, हम तो आश्वस्त जब तक नहीं होंगे जब तक हमको तो यानी जमीन पर बसाया नहीं जाएगा, जमीन पर ये चीजें हमको मिलेगी नहीं। मतलब कहने का मतलब हमको प्रैक्टिकल में हर चीज चाहिए, जैसे बुनकरों को बेरोजगार की व्यवस्था, तो हमको जैसे बैंक लोन नहीं देती, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कमजोर है, तो यहाँ बुनकरों को जैसे 10-20 लाख का लोन देकर ये अपना खुद का माल चला सकते हैं, कच्चा माल खरीद सकते हैं, तो मतलब उसके लिए जो फेडरेशन की व्यवस्था की गई थी, आज फेडरेशन भी नेताओं की कगार पर है, नेता लोग वहाँ राजनीति कर रहे हैं, और फेडरेशन जो मध्य प्रदेश की मतलब बुनकर संघ कहा जाता है वहाँ पे बिलिंग हो रही है और कच्चा माल बेचा खरीदा जा रहा है, लेकिन उससे बुनकरों को लाभ नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब पावरलूम बुनकर संघ को डायरेक्ट जैसे मतलब मैंने फैसिलिटी मिलना चाहिए कच्चा माल खरीद कर, या उसको बैंक में इतना 10-20 लाख का लोन मिले, जैसे मालेगांव में पर्सनल आदमी मतलब है ना अपना खुद का चलाता है, खुद का व्यापार से करता है और कच्चे माल खरीदने की उसकी क्षमता होती है, तो यहाँ बुनकरों को बैंक पहचानती नहीं। पिछले समय मतलब मैंने कुछ सोसाइटियों ने जो पर्सनल सोसाइटियां होती थी लोगों की, तो कुछ उनके ऊपर कर्जे बाकी है, फेडरेशन का बाकी है, तो लोकल बुनकर का उनसे लेना देना नहीं है, तो यहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि मतलब आपके ऊपर 200 करोड़ बाकी है, तो साउथ में इधर उधर उनके कर्जे माफ किए गए, जैसे किसानों के कर्जे माफ किए गए उसी वजह से इनके कर्जे माफ कर जो लोकल बुनकर है उनको कहीं ना कहीं बैंक से सहायता दिलाना चाहिए कि ताकि वो अपना खुद का बिजनेस कर सके और खुद मतलब इन्हें कपड़ा बना सके और खुद बाजार में बेच सके, ये व्यवस्था करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को जिससे बेरोजगारी दूर होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रियाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हला बोल में आज हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर की, जो एक वक्त पावर लूम के
लिए जाना जाता था, जिसकी पहचान पावरलूम उद्योग हुआ करता था, लेकिन आज वही पावरलूम उद्योग वेंटिलेटर पर चला गया है। और ये स्थिति आज से नहीं बल्कि कई बरस लगे हैं इसे वेंटिलेटर पर लाने के लिए। कई बार इसके लिए आवाज़ बुलंद की गई बुनकरों के द्वारा और आश्वासन भी दिए गए, लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब देखना दिलचस्प है कि इस खबर को दिखाने के बाद क्या इन बुनकरों के लिए किसी तरह की कोई पहल की भी जाती है या फिर नहीं। हल्ला बोल में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।